जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए पूरी तैयारी कर ली है। खुद सीएम योगी तैयारियों को लेकर लगातार निर्देश दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच मुजफ्फरनगर प्रशासन के एक निर्देश पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल मुजफ्फरनगर में दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वो अपनी पहचान के साथ दुकानदारी करें, यानी सभी दुकानदारों को अपनी दुकान पर नाम का बोर्ड लगाने को कहा गया है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाले बहुत से मुस्लिम दुकानदारों ने बोर्ड लगाने शुरू कर दिए हैं। इस फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर महुआ मोहित्रा तक ने योगी सरकार को घेरा है, तो वहीं मुजफ्फरनगर के एसएसपी का कहना है कि यात्रा के दौरान किसी विवाद से बचने के लिए फैसला लिया गया है। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपने स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के रास्ते में तमाम मुस्लिमों की दुकानें भी पड़ती हैं, जो फल, चाय और अन्य खाद्य सामग्री बेचते हैं। पुलिस यात्रा के बंदोबस्त में लगी है और उन्हीं में से एक इंतजाम ये भी है कि सभी मुस्लिम दुकानदारों को अपनी पहचान बताते हुए कारोबार करना होगा। बता दें कि हिंदू संगठन बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि मुस्लिम दुकानदार अपनी पहचान छिपाकर कारोबार कर रहे हैं। उनके मुताबिक कांवड़ियों के लिए जरूरी है कि वो जहां से सामान खरीदें उसका धर्म भी जान लें। कैमरे के सामने तकरीबन सभी दुकानदारों ने प्रशासन के फैसले को सही बताया। उनका कहना है कि रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है, इसीलिए इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुजफ्फरनगर के दुकानदार प्रशासन का आदेश मानकर बोर्ड लगाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन इस फैसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोहित्रा ने इस फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ ना खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बायकोट था। ओवैसी के साथ साथ TMC की सांसद महुआ मोहित्रा ने मुजफ्फरनगर प्रशासन के इस फैसले को संविधान विरोधी बताते हुए लिखा, आगे क्या मुसलमान अपनी पहचान के लिए अपनी आस्तीन पर स्टार ऑफ डेविड का निशान पहनेंगे? अगली बार जब कांवड़ियों या उनके परिवारों को डॉक्टर या खून की आवश्यकता हो तो उनके इलाज के लिए दूसरी कांवड़ ढूंढ ले। ये पूरी तरह अवैध और संविधान विरोधी है। माना जा रहा है कि प्रशासन के इस निर्देश पर आगे भी सियासत हो सकती है। हालांकि कांवड़ यात्रा के रास्ते पर मौजूद दुकानदारों में से अधिकांश का कैमरे पर प्रशासन के फैसले पर किसी तरह का कोई विरोध नहीं जताया गया है। बता दें कि कल ही सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और कई जरूरी निर्देश दिए। मीटिंग के बाद सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार आस्था, परंपरा और विरासत के सम्मान और संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। उसी क्रम में अटूट श्रद्धा और समर्पण के प्रतीक पावन कांवड़ यात्रा के सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक संचालन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया जाए। कांवड़ यात्रा मार्गों पर साफ सफाई, बेहतर प्रकाश की व्यवस्था और सहायता शिविर लगाए जाए, साथ ही मार्गों पर पेयजल शिकंजी की व्यवस्था भी की जाए। योगी आदित्यनाथ ने आगे लिखा कि सुरक्षा की दृष्टिगत ड्रोन से यात्रा मार्ग की निगरानी के साथ ही कांवड़ शिविर लगाने वालों का सत्यापन भी किया जाए। उन्होंने लिखा कि लोक मंगल के ध्येय से परिपूर्ण कांवड़ यात्रा सुगमता से पूर्ण हो, शिव भक्तों और आमजन को कोई असुविधा न हो, यह आपकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी फैसला किया है कि कांवड़ के रास्ते में पड़ने वाले दुकानदारों को अपना असली नाम का बोर्ड लगाना होगा। अब देखना यह है कि दोनों सरकारों के इस फैसले पर विभिन्न सियासी दल क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि कुछ ने तो अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया है। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।